तो अभी तक हमने काफी कुछ इम्प्लीमेंट कर लिया अपने प्रोग्राम में, और आज की इस वीडियो में हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं कलर बॉक्स को, जहाँ पे मैं जल्दी से आपको दिखाना चाहूंगा। अगर मैं एमएस पेंट खोलूँ और इस जगह पे मैं कोई भी चीज ड्रॉ कर सकता हूँ, बट अगर मैं इस कलर बॉक्स पे सेलेक्ट करूँ तो मैं कोई भी कस्टम कलर अपना सेलेक्ट कर सकता हूँ जो एक स्पेसिफिक आरजीबी वैल्यू प्रोवाइड करेगा, और मैं उसे ओके करके मैं उससे कोई भी चीज ड्रॉ कर सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ सेलेक्ट करूँ, मैं कोई भी एक पर्टिकुलर कलर चुनूंगा और यहाँ पे मैं उस पर्टिकुलर शेड को सेलेक्ट करूंगा और ओके करते ही मुझे वो कलर मिल जाएगा। आप देख सकते हैं द सेम थिंग वी वांट टू इंप्लीमेंट इन आवर पेंट एप्लीकेशन एज वेल। तो चलिए मैं पहले आपको मैं दिखा देता हूं कि हमारा पेंट एप्लीकेशन कैसा दिख रहा है इस वक्त। तो मैं रन करूंगा प्रोग्राम को और ये देख सकते हैं हमारा पेंट एप्लीकेशन, जो कि काफी सिमिलर है एमएस पेंट के, राइट। मुझे पता है ये अभी बहुत डिफरेंस है, बट हम और चीजें इंप्लीमेंट करेंगे विद टाइम। अगर मैं पेंसिल पे सिलेक्ट करता हूँ और कुछ ड्रॉ करूँ तो हो पा रहा है। मैं स्ट्रोक साइज सेलेक्ट कर सकता हूँ एज वी हैव इन एमएस पेंट, और मैं इसे 10 तक ले जा सकता हूँ। साथ ही साथ मैंने इरेजर भी इंप्लीमेंट किया है, तो हम इरेजर से चीजों को इरेज भी कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो वर्किंग। एंड आज के इस वीडियो में हम कलर बॉक्स भी एड करने वाले हैं, सो लेट्स सी हाउ वी कैन डू दैट। मैं सबसे पहले इसे बंद करूंगा और यार एक बार और स्टार्ट करके मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम उसे डालने कहाँ वाले हैं। वेल यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास फ्रेम 1 है, ये फ्रेम 2 है। अब जिन लोगों को नहीं पता मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हमने एक इस पर्टिकुलर जगह पे हमने टूल्स फ्रेम बनाया था और ये हमारा साइज फ्रेम है। अब इसी के बगल में हम एक कलर बॉक्स फ्रेम बनाएंगे, जहाँ पे हम एक ऐसा बटन डालेंगे जिसके मदद से हम कलर बॉक्स को शो कराएंगे और हम वैल्यू को सिलेक्ट कर पाएंगे, राइट। तो सबसे पहले मैं इनको थोड़ा हाईलाइट कराना चाहता हूँ और उसके लिए मैं एक बॉर्डर ऐड कर दूंगा यार इन फ्रेम्स में। तो फ्रेम 1 जो है वो सबसे टॉप पे है, उसके बाद हमारे पास टूल फ्रेम है। तो मैं जल्दी से यहाँ पे लिखूंगा रिलीफ शुड बी संकन, एंड मैं लिख दूंगा बॉर्डर विथ शुड बी, मुझे लगता है बॉर्डर विथ 3 बहुत सही रहेगा, तो मैं बॉर्डर विथ इक्वल 3 लिख दूंगा। एंड द सेम थिंग आई एम गोइंग टू डू इन दिस फ्रेम एज वेल, जो कि हमारा है साइज फ्रेम। और मैं जल्दी आ रहा हूँ कलर बॉक्स पे भी, अगर इस प्रोग्राम को रन करूँ तो अब आप ज़्यादा अच्छे से देख पा रहे हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, राइट। तो हमारे पास ये दो चीज़ें इंप्लीमेंट हो गई हैं, एंड नाउ वी आर गोइंग टू जंप ऑन दी थर्ड फ्रेम विच विल बी आवर कलर बॉक्स, राइट। सो अब मैं इसे बंद करूंगा और जल्दी से इंप्लीमेंट कर लेते हैं यार हमारे उस फ्रेम को। तो जैसे हमने साइज फ्रेम बनाया यार, साइज फ्रेम के बाद उसके नीचे जैसे हमारा साइज फ्रेम खत्म होता है और वो खत्म हो रहा है इस पर्टिकुलर जगह पे, मैं एक कमेंट ऐड करूंगा, मैं लिखूंगा कलर बॉक्स फ्रेम, राइट। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक फ्रेम बनाऊंगा और फ्रेम बनाने के लिए मैं लिख दूंगा कलर बॉक्स फ्रेम नॉर्मली, और इसके बाद इसे मैं फ्रेम की सहायता से बनाऊंगा और ये फ्रेम 1 के अंदर रहने वाला है। और फ्रेम 1 के बाद मैं यहाँ पे स्पेसिफाई करूंगा हाइट ऑफ विड्थ, सो हाइट शुड बी 100 एंड विड्थ शुड बी 100। मैं सेम हाइट विड्थ सभी के लिए यूज कर रहा हूँ ताकि मैं ज्यादा सिमेट्री दिखा सकूं यहाँ पे। तो हाइट विड्थ 100 और एक बैकग्राउंड कलर एज ऑफ नाउ ऐड करूंगा ताकि हम इसे एटलीस्ट डिस्प्ले करा पाए। देन कलर बॉक्स फ्रेम डॉट ग्रिड कर दूंगा और रो इक्वल्स डेफिनेटली 0 डालूंगा, बट कॉलम 0 पे हमारे पास ऑलरेडी टूल्स फ्रेम है, कॉलम 2 पे हमारे पास साइज फ्रेम है, कॉलम 1 पे क्योंकि काउंटिंग 0 से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे हम कॉलम 2 डाल रहे हैं। अगर इस प्रोग्राम को रन करूँ तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये भी आ गया। अब यार इसमें हम अपना बटन डालने वाले हैं, तो जल्दी से वो काम कर लेते हैं। तो आफ्टर दिस कलर बॉक्स फ्रेम में एंटर करूंगा और यहाँ पे इस पर्टिकुलर जगह पे एक बटन बनाने वाला हूँ। मैं बोलूंगा कलर बॉक्स बटन, आई गेस दैट वुड बी फाइन। सो कलर बॉक्स बटन इक्वल्स बटन, और ये जो बटन है यार मैं स्पेसिफाई करूंगा कहाँ पे होने वाला है। ये होने वाला है कलर बॉक्स फ्रेम के अंदर और इसका कुछ विड्थ होगा, और अगेन क्योंकि मैं सिमेट्री मेंटेन करना चाहता हूँ, विड्थ लिखने से पहले मैं लिख दूंगा टेक्स्ट शुड बी सेलेक्ट कलर, ताकि यहाँ से वैल्यू सेलेक्ट कर सके हम। सेलेक्ट कलर और इसके बाद मैं करूंगा विड्थ, और विड्थ को मैं अप्लाई कर दूंगा एज 100। तो अब इसे मैं ग्रिड भी कर दूंगा, तो मैं लिखूंगा कलर बॉक्स बटन और डॉट ग्रिड करके मैं यहाँ लिख दूंगा रो शुड बी 0 एंड कॉलम शुड बी 0, राइट। सो यार अब इसे रन करते हैं और देखते हैं किस तरीके से वर्क करता है। सो रन पाइथन फाइल, एंड यार ये बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, और मुझे लगता है विड्थ मैंने कुछ गलत कर दिया, विड्थ मुझे 10 डालना चाहिए और तब ये ज्यादा अच्छा दिखेगा। लेट्स रन दिस प्रोग्राम अगेन, एंड नाउ यू कैन सी दैट इट इज वर्किंग परफेक्टली, वी गॉट दिस सेलेक्ट कलर। अब जैसे ही मैं इस सेलेक्ट कलर को क्लिक करता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे पास वो एक कलर बॉक्स मिल जाए जहाँ से मैं अपने कस्टम कलर को सिलेक्ट कर सकूँ। एक और चीज़ करना चाहूंगा जल्दी से, वो है मैं एक वैल्यू को यहाँ लिखना चाहूंगा विच इज रिलीफ संकन एंड दिस बॉर्डर विथ, ताकि सारी चीजें सिमेट्री मेंटेन रहे। वट आई मीन इज, तो यहाँ पे मैं कॉमा डाल के ये चीज़ पेस्ट कर दूंगा और अब मैं रेडी हूँ उस कलर बॉक्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए। अब सुनो यार,
देखो मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं जैसे ही सिलेक्ट कलर को क्लिक करूँ वैसे ही मैं ओपन करना चाहता हूँ। अब बहुत लोग पूछ रहे होंगे ये क्या हो गया, मुझे बैकग्राउंड कलर एक्चुअली में नहीं डालना है, तो मैं वो बीजी यहाँ से ये हटा दूंगा, आप टेंशन मत लो। अब यार जैसे ही मैं इस पर्टिकुलर बटन को क्लिक करता हूँ, मैं चाहता हूँ एक फंक्शन कॉल हो जो कलर बॉक्स को खोले, तो मैं यहाँ पे एक कमांड ऐड कर दूंगा, ये हमारा बटन है, मैं यहाँ पे कमांड ऐड करूंगा और इस कमांड में मैं लिखूंगा कि सेलेक्ट कलर, राइट। तो ये सेलेक्ट कलर फंक्शन को बुलाएगा, सेलेक्ट कलर फंक्शन हमारे पास नहीं है तो उसे जल्दी से इंप्लीमेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सेलेक्ट कलर और इस सेलेक्ट कलर के अंदर हम चीज़ें इंप्लीमेंट करने वाले हैं। तो देखो यार काफ़ी ज़्यादा इजी है, इसके लिए हमें एक बेसिकली फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ता है जो कि है कलर चूजर, उसे मैं जल्दी से इम्पोर्ट कर लूँगा। तो मैं लिखूंगा फ्रॉम एक इंटर इम्पोर्ट कलर चूजर और इसे ही मैं इस्तेमाल करूँगा यहाँ पे। तो देखते हैं ये मैं कहाँ पे कर सकता हूँ। वेल वाई एम गेटिंग दिस एरर इन कैनवास बिकॉज समथिंग इज इनकम्प्लीट, लेट्स सी, मैं यहाँ पे कुछ इशू क्रिएट कर रहा हूँ। हाँ ये रहा। तो यहाँ पे सेलेक्ट कलर के बाद यार मैं लिखूंगा यहाँ पे सेलेक्टेड कलर जो मैं सेलेक्ट करने वाला हूँ, सो सेलेक्टेड कलर इक्वल्स एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा कलर चूजर, राइट। सो कलर चूजर डॉट आस्क कलर, क्योंकि हम वही यूज करने वाले हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पे एक टाइटल लिख दूंगा और उस टाइटल में मैं लिखूंगा सेलेक्ट कलर, राइट। सो यहाँ पे मैं लिख दूंगा सेलेक्ट कलर और यहाँ पे ये जो है ना जो हमारा दूसरा विंडो आएगा उसका एज अ टाइटल अज्यूम होगा। अब यार मैं प्रिंट कर दूंगा सेलेक्टेड कलर, सो यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रिंट एंड लेट्स प्रिंट आवर सेलेक्टेड कलर एंड लेट्स सी हाउ एग्जैक्टली इट वर्क्स। सो मैंने कमांड लिख दिया है, सब कुछ हो गया है। अगर मैं रन करूँ इस प्रोग्राम को तो जैसे मैं सेलेक्ट कलर को क्लिक करता हूँ यार, तो यहाँ पे आ रहा है अननोन कलर नेम सेलेक्ट कलर। वेल आई डिड समथिंग रॉन्ग आई बिलीव, यहाँ पे मैं जल्दी से देख लेता हूँ यार क्या इशू है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे इशू है, लेट मी चेक ऑनलाइन नंबर 64 इट सेज एंड यहाँ पे सेलेक्ट कलर इक्वल्स कलर चूजर सेलेक्ट कलर व्हाट्स रॉन्ग हियर, कलर चूजर डॉट आस्क कलर एंड यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई किया है सेलेक्ट कलर एंड इट सेज लाइक दिस इज नॉट द वैलिड कलर, डू आई नीड टू ऐड टाइटल हियर एंड नाउ इफ आई विल रन दिस प्रोग्राम एंड ओके दैट वर्क्स सेलेक्ट कलर और आप देख सकते हैं हमारे पास ये आ चुका है। तो यार ये जो है ना ये एज अ टाइटल अज्यूम होता है और कभी कभी अगर हम इस चीज़ को नहीं स्पेसिफाई करते हैं तो जो डिफॉल्ट पहली चीज़ होती है वो कलर मानी जाती है। तो यार देख लेते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे। मैं कस्टम कलर पहले मैंने खुद भी नहीं डाला है बट लेट्स सी वॉट एग्जैक्टली इट वॉज ट्राइंग टू एक्सप्लेन अस। मैं रन करूँगा इस प्रोग्राम को एंड इट इज़ वर्किंग। अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँ तो आप देख सकते हैं बाई डिफॉल्ट कलर ब्लू है, सो दैट ऑल्सो वर्क्स। वी गॉट टू लर्न समथिंग न्यू हियर एज वेल, मुझे खुद नहीं पता था कि यहाँ पे हम एक डिफॉल्ट कलर देते हैं। तो यार यहाँ पे मैंने टाइटल स्पेसिफाई कर दिया जो कि सेलेक्ट कलर है, तो अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुझे एक सेलेक्ट कलर टाइटल मिल रहा है और अब मैं क्या कर सकता हूँ कोई भी सेलेक्ट कलर करके ओके कर सकता हूँ और आप देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पे कुछ प्रिंट होते हुए दिख रहा है। वेल मुझे सेलेक्ट कलर को सेलेक्टेड कलर करना था तो मैं यहाँ पे सेलेक्टेड कलर करूँगा और इस प्रोग्राम को फिर से रन करूँगा। वो बाय मिस्टेक फंक्शन को प्रिंट कर रहा था, फंक्शन के लोकेशन को मैं ओके करूँगा और आप देख सकते हैं हमारे पास RGB वैल्यू आ गई है और हेक्साडेसिमल वैल्यूज आ गई, राइट। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा किस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं और अपने स्ट्रोक की कलर को चेंज कर सकते हैं। सो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन अपकमिंग वीडियोज़। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से, राइट। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको कोड का लिंक चाहिए होगा तो वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है और साथ ही इस प्रोजेक्ट का पूरा लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। और अगर आप देखना चाहते हैं कि किस तरीके से हम इस पर्टिकुलर कलर को यूज़ कर सकते हैं जो हमने जस्ट क्रिएट किया ऑन आवर स्ट्रोक, सो आप नेक्स्ट वीडियो को जरूर देख सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो, बाय।